जम्मू में कोविड को लेकर लोग लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। वहीं अब ओमिक्रॉन वायरस आने के बाद भी लोग मास्क का उपयोग करना गवारा नहीं समझ रहे हैं। बात बस स्टैंड इलाके की करें तो वहां बिना मास्क पहने लोग आते जाते दिखाई दे रहे हैं। वहीं प्रशासन द्वारा भी इस दिशा में कोई उचित कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। हम लोगों से यही अपील करते हैं कि तीसरी लहर फिर आ चुकी है और इसके मद्देनज़र सबको मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए और गवर्नमेंट से ये एलजी साहब से ये अपील करना चाहते हैं कि इधर जो टेस्टिंग सेंटर होना चाहिए, जो टेस्टिंग की जाए। बस स्टैंड पे जगह जगह से लोग आ रहे हैं, रंग बिरंगे लोग आ रहे हैं, हर स्टेट से लोग आ रहे हैं, इसलिए यहाँ एक टेस्टिंग सेंटर स्थापित किया जाए। हाँ, हमने एक पहले भी हमने सरकार से अपील की थी कि जहाँ पे बाहर से लोग आते जाते हैं, जहाँ पे टेस्टिंग कैंप रेगुलर लगना चाहिए। बीच में एक बार लगा था मगर उसके बाद फिर बंद हो गया, फिर आए नहीं है। मैं तो हेल्थ डिपार्टमेंट से गुजारिश करता हूँ, इस महामारी से बचने के लिए, बचाने के लिए आप जितना रोकथाम कर रहे हैं तो कम से कम ये भी एक उपाय करें, बस स्टैंड में एक टेस्टिंग कैंप लगाएं, जहां आने जाने वाले बहुत से बाहर से यात्री आते हैं और ट्रेन के यात्री भी जहां आते हैं तो उनका टेस्ट हो सके, जिससे कि महामारी को हम रोक सकें। नहीं आती डिपार्टमेंट से हम तो बहुत कितनी बार अपील कर चुके हैं तो, मगर ये समझ नहीं आती है विभाग क्या चाहता है, डिपार्टमेंट क्या चाहता है, क्या इनके पास स्टाफ नहीं है, क्या इनके पास वो टेस्टिंग किटें नहीं है जैसे। मगर गवर्नमेंट तो बार बार बोल रही है टेस्टिंग किटें का भी कमी नहीं है, हमारे पास स्टाफ भी पूरा है और नया स्टाफ भी हम कोविड का लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी ऐसा नहीं हो रहा है। जहां पिछले साल की तरह जहां पे रेगुलर जहां पे कैंप लगते थे, मगर इस बार कोविड टेस्टिंग सेंटर बिल्कुल नहीं लगा। पहले जहां पे दो दो कोविड सेंटर टेस्टिंग सेंटर लगते थे जहां पे, मगर इस बार एक भी नहीं चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जेल के मीडिया, जम्मू। फॉर मोर अपडेट्स डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन आइकन एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन फेसबुक डू फॉलो आवर फेसबुक पेज।